नहीं दादी जी, हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहाँ हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। नारद को तो रागिनी बुलाई है ना, ऐसे ही बुलाने का मतलब है कि वो कोनो किसी परेशानी में है। हर परेशानी से लड़ना सिखाया है बाबूजी आपने हमें। आपकी बेटा जी को कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। आपने बहुत अच्छा किया जो सृष्टि को हमारे पास ले आए। तुम्हारे यहाँ पे आने का फैसला सृष्टि का था। बेटा जी, आप हमेशा से विकराल सिंह का गुरूर रही हैं, लेकिन आज आज आप एक गृहिणी का रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। इसका श्रेय तो दामाद जी को ही जाता है ना, इसीलिए धन्यवाद कह रहे हैं। रागिनी के बाबूजी, ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? अब नाश्ता कीजिए ना, देखिए नाश्ता ठंडा हो रहा है, हम नाश्ता बनाए हैं। आप बाबूजी, बात करके देखता हूँ। चलिए ठीक है। हेलो, बाद में बात कर लेंगे। ठीक है। आखिर क्या बात करना चाहते हैं? मैं ही कॉल बैक करता हूं, मैंने कौन से इनका डर मारा है। लीजिए, दामाद जी का ही फोन आ गया। अभी काहे फोन कर रहे हैं? वैसे तुम्हारे बाबूजी से बात करना भी गवारा नहीं था उन्हें, और अब खुद ही फोन कर रहे हैं। उन्हीं का ही फोन। हेलो, तुम्हारे बाबूजी ने मुझे फोन किया था? हाँ हाँ, वो कौनो अर्जेंटी नहीं है, ऐसे ही बाबूजी कॉल कर लिए। अब बिजी हैं? हाँ कोई ना, अब हम बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, बाय बाय बाय। बहुत बिजी हैं वो, एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग है, फुर्सत ही नहीं है इनके पास। हम कह रहे थे ना बाबूजी आपको। फोन कट गया, इसने खुद काटा है। चलो, एक बात तो बहुत अच्छा हुआ कि दामाद जी का काम चकाचक चल रहा है। बेटा जी, आप करने दीजिए उनको मीटिंग। अरे फोन का क्या है, बाद में फिर बतिया लेंगे का। हाँ हाँ ठीक है। चाय दीजिए। लीजिए। आज तो बाल बाल बच गए। क्या बात थी, तुम कुछ कह रही थी, फोन कट गया था अचानक से। ज्यादा सवाल मत पूछिए हमसे, हम जो कह रहे हैं उसे सुनिए। बाबूजी आपसे बात करना चाह रहे थे, तो हम उनसे कह दिए हैं कि आप बहुत बिजी चल रहे हैं। अगर आपको उनका फोन आता है तो आप भी यही कहिएगा, इससे ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी से बात छुपाने के चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। हाथ पे लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। इस पाप की कमाई में मेरा हक बताने की कभी गलती मत करना, और इस पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। ये सब क्या है? एक नंबर की जाहिल और कवार हो तुम। सुन मेरे हम सफर,
नीचे क्यों सोऊंगा? मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। चुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझसे होता है ना ना होश में मैं कभी। बाहों में है तेरी जिंदगी है। अपनी किताबों में लगा लेना, अगर आपको गुस्सा आया ना तो इसे देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। मिस्टर जी उठिए, देखिए हम आपके लिए चाय लाए हैं। मिस्टर जी मिस्टर जी कितना सोइएगा, उठिए ना, हम आपके लिए ना आपका अंग्रेजी टी लेकर आए हैं। उठिए उठिए, चलिए उठिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काहे हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? हम आपके लिए बेड टी लेकर आए, पीजिए। एक सेकंड, तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई और चाय भी लेके आ गई हो। तो हम तो रोज चाय लाते हैं आपके लिए, क्या हो गया? अरे पर ये तो, what the hell is this? अपना हाथ दो, हाथ दो। अच्छा लीजिए, जो करना है कीजिए। कहाँ गए हैं अनुराग बबुआ? है? हम आपके लिए भोरे भोरे है अंग्रेजी चाय लेकर आए हैं, और ऊपर से आप हैं कि हमको चींटी काट लिए है? जाने कैसन बौराइल आदमी जैसन बात कर रहे हैं। तुलारी दीदी आप यहाँ, I'm so sorry, मुझे लगता है शायद मैं कुछ सपना देख रहा था। I'm sorry. तो सपना देख रहे हैं कि सच में है, जानने के लिए आदमी अपना को चींटी काटता है। ये थोड़े की कोनों को चींटी काट लो। अच्छा आप अपने आप को पिंच करते हैं, I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अभी ये रखिए और आप जाइए। यहीं तो रखते हैं। हाँ ये रखते हैं। रागनी भौजी गई है तब से काहे बौराइल जैसन बात करते। ओह गॉड, यहाँ से जाने के बाद भी कितना परेशान करेगी, मुझे शायद थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीजों से निकलने के लिए। मिस्टर जी को चाय पिलाने का इतना आदत हो गया हमें कि वो नहीं भी है फिर भी हम।
अरे बिटिया, इतना सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? अम्मा जी, वो कहा है ना कि ससुराल में ना सुबह सुबह उठने का आदत हो गया हमें, तो नींद ही खुल गया हमारा, तो हम रसोई में आ गए। अरे तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा मायका है। जब तक यहाँ हो बस आराम करो, फिर वहाँ जाके तो तुम्हें ये सब जिम्मेदारी निभानी है। हाँ, पर आजकल की लड़कियों को ना मायके से ज्यादा ससुराल में मन लगता है ना? संभाल के बेटा, लगता है दामाद जी याद कर रहे हैं। उस दिन मैंने इसकी क्लास लेके ठीक ही किया था। ये मेरी शर्ट जो अब मेरी साइज की नहीं रही, इतनी लूज हो गई ना, ऑल थैंक्स टू यू। अब ये कपड़े पहन के मैं पटना जाऊंगा अपने इन्वेस्टर से मीटिंग के लिए। एक नंबर की अनपढ़ और गवार हो तुम। सही कह रही हैं अम्मा जी आप, इतना जोर से ना हमें हमारे मिस्टर जी याद कर सकते हैं। जरूर हमारा बुराई कर रहे होंगे। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम उन्हें याद ही नहीं करती। अरे हीरे जैसे दामाद है हमारे, एक बार जो मिले ना उन्हें बस भूल नहीं पाए। आपके हीरे जैसे दामाद की वजह से ही ससुराल हमें अपने ही घर में झूठ बोल के रहना पड़ रहा है। एक बात बताइए भौजी, अरे अगर विकराल सिंह को पता चला कि रागिनी काहे घर छोड़ के गई है, जानते हैं क्या होगा? अरे मर्डर वर्डर हो जाएगा ही घर में, समझी आप? अरे देवर जी, यह सोच सोच कर तो हमारा माथा खराब हुआ जा रहा है। हम सोचा था कि रागिनी घर में आ गई ना तो ये घर का किस्मत पलट जाएगा, लेकिन यहाँ तो खेला ही पलट गया। तो रागिनी घर छोड़कर चली गई। विकराल सिंह से दुश्मनी का डर मोड़ लिया सोलग। अरे तू लरिया, चाय जल्दी ला, हमारा माथा खराब हो रहा है। अरे ला रहे ना पूरा। अरे तुम कहाँ बिना मतलब में चिल्ला रही हो बताओ तो? इस सब का खीस हम पर मत उतारा करो, हम बता रहे तुम कामों करते रहो, तुम्हारा बात तो सुनो। लो हम कोनों का खीस नहीं उतार रहे भाई, और हम तो गुस्सा है हमारा बिटवा से। अरे वो तो रोक सकता था ना हाथ पकड़ के रागिनी को। बिशु का तो कहा जाने कहा है, वो कानून वाले के अलावा उसको कुछ दिखाया नहीं पड़ता है। उसका तो हम समझ सकते, वो नादान है, लेकिन अनुराग तो समझदार है ना। वो तो रोक सकता था अपनी बीवी को, वापस ले आ सकता था, लेकिन नहीं जाएगा नहीं। अब हम नादान नहीं है, हम भी समझदार हैं। हम जाएंगे सृष्टि जी को लाने। हमारा किस्मत में तो खुशी लिखा ही नहीं है। अनुराग तो हमको सृष्टि का घर से बाहर जाने का खुशी भी नहीं मनाने दिया। हम तो सिर्फ चाहते थे कि सृष्टि घर से चली जाए, तो वहां रागिनी भी घर छोड़कर चली गई। क्या बोला आपने? दोनों बहू हैं, घर छोड़कर चली गई। ऐसे कैसे चली गई भाई, काहे चली गई? कुछ पूछ रहे हैं हम? कहा है कि हम का कहे वो अपना मन से ही। अपने मन से? श्रीमती जी, ऐसे अपना मन से कोई घर छोड़कर नहीं जाता है। अरे कुछ शर्म बचा है कि नहीं आपके अंदर? उसे भी घर से बाहर निकाल दिया आपने। आपकी नजर में
किसी भी आदमी का कुछ कीमत है कि नहीं? जानती हैं आप, घर को घर इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान घर की दहलीज के अंदर कर लें, उसे दहलीज के बाहर नहीं जाने दें। अगर हाँ, आपका क्या कहना, आप तो घर के सदस्य को ही घर की दहलीज के बाहर निकाल देती हैं। पहले वो बेचारी कमलावती और अब दोनों बहुएं हैं। और तुम खुद हम बहुत समझदार समझते थे बेटा, हमारा अनुराग सबसे समझदार बच्चा इस घर में, तू कैसे जाने दे अपना पत्नी को बाहर? पापा रहने दो, कुछ फायदा नहीं है बेटा, बेकार का प्रयास मत करो। बहू को घर से निकलने का कारण ना समझा नहीं पाओ तुम, रहने दो। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि अब किसका नंबर है इस घर से बाहर जाने के लिए। भैया आप कुछ गलत समझ रहे हैं, भौजी ऐसा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा विद्वान, पहले खुद समझ लो ये सही और गलत का अंतर, फिर हमको समझाना। जो चल रहा है ना इस घर में श्रीमती जी, जो कर रही है, याद रखिएगा हमारा बात, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। हम ऐसा क्या किए हैं? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप, बस। अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर के दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाएगा। सृष्टि कहाँ हो यार? We are getting late. Come on. पहली बार ऐसा हो रहा है, बॉस अपने असिस्टेंट का वेट कर रहा है। बाबा पहले थोड़ी पूछा तो कर लूँ। क्या हुआ? इसे दूर रखो। पहली बार ऐसा होगा कि एक इंसान छीते छीकते मर गया। क्या बच्चों जैसा चेहरा बना रखा है? अच्छा सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम्हें अगरबत्ती से एलर्जी है। अब पता चल गया ना, चलो। ओ सिंदूर के कोई मायने नहीं, छूट भी तो हमें उन्होंने ही दिया। हम तुम्हारे मन का लिट्टी चोखा लाए। अरे वाह, फिर तो हम ना एकदम पेट भर के खाएंगे। अब चलिए ना, हम तैयार होकर आते हैं। क्या हुआ, कहीं अम्मा हमारा चोट तो नहीं देख ली?
बिटिया तुम सिंदूर काहे नहीं लगाए? सिंदूर अब अम्मा वो उड भी नहीं होती है, वो हम ससुराल में भूल आए हैं। कल तुमने मंगलसूत्र के बारे में भी यही कहा था, आज सिंदूर भूल गई। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम ये भूल जाओ कि तुम सुहागन हो। अम्मा ये सब जो होता है ना, इस श्रृंगार का सामान होता है, इसमें ज्यादा धर्म कर्म ढूंढने का कोशिश मत किया कर। देखो बेटिया, ये जो श्रृंगार का सामान है ना, यही सुहागन की निशानी। ये बिंदी, ये मंगलसूत्र, ये चूड़िया, इन सब का ना एक मतलब होता है। देखो बेटिया, बाजार में इसकी कीमत चाहे 2 रुपए की हो, पर 2 दिलों को 7 जन्मों तक जोड़ने की ताकत है इसमें। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरी सिंदूर की डिब्बी लाती हूँ। अम्मा थी इसलिए इस सिंदूर का बात संभाल लिए, लेकिन अगर हमारा चोट का बात गलती से भी बाबूजी को पता चल गया तो पता नहीं वो कहाँ कर बैठेंगे। अब हमें ही कुछ सोचना होगा।